बहुत सारे व्यक्ति ये फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं, उनको लगता है हम सही भर रहे हैं लेकिन वो गलती कर रहे हैं। ये क्या है, प्रपत्र टू जिसको प्रपत्र दो जिसको स्वघोषणा पत्र बोलते हैं या सर्वे फॉर्म के नाम से जानते हैं, ये फॉर्म भरने में अधिकतर व्यक्ति गलती कर रहे हैं। ये फॉर्म करीब हम 1000 से ऊपर व्यक्ति को भरा चुके हैं और हम जो है देखे हैं ये बहुत ऐसे व्यक्ति हैं सो ये हर एक जैसे जितने भी खाने हैं सब में गलती करते हैं। तो हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या गलती नहीं करना है। अगर भर भी लिए हैं और आपके पास फॉर्म है तो ये देख लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप सही भरे हैं कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, हम इस वीडियो को एकदम छोटा रखेंगे जितना हो सके, लेकिन आप जो है देखिए मेरा बात यहाँ पे ये होता है कि नॉलेज की और इन्फॉर्मेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, क्योंकि ये सर्वे है ना कि कॉमेडी वीडियो है जिससे आपको मनोरंजन हुआ हुआ तो हुआ, नहीं तो साफ ये जिंदगी भर आप करेंगे यहाँ पे लापरवाह तो आपके बच्चे सबको असर पड़ेगा, ठीक ना, जिंदगी भर कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहेंगे। तो ये गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। सबसे पहले इसमें गलती, यहाँ पे लिखा है रैयत का नाम, अस हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। तो इसमें बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, रैयत का नाम, तो यहाँ पे रैयत का नाम देखिए हम सब बताएंगे, कुछ ना कुछ गलती इसमें से आप किए ही होंगे, आप गौर से देखेंगे तो पता चल जाएगा अधिकतर व्यक्ति कर रहे हैं, यानी 100 में से 80% व्यक्ति ये गलती किए हैं, 100 में से 80% व्यक्ति। देखिए रैयत का नाम जो जिसके नाम से जमाबंदी नंबर चलता है वो डालना है, वो कोई गलती नहीं करते हैं, इसमें कोई गलती नहीं करते हैं। गलती कहाँ करते हैं आगे देखिए, यहाँ लिखा है सौ हिस्सेदारों का नाम, इसमें भी कोई गलती नहीं कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं अंश, कहाँ कर रहे हैं अंश, बहुत सारे व्यक्ति मतलब इसमें अंश को भी भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अंश, अंश भरने से आपको ये जो है ना ये आपका जो डाटा दे रहे हैं उसमें घोंच पोंच हो जाएगा और उस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके इसके लिए कितना अंश किसको मिलेगा यानी कितना जमीन किसको मिलेगा उसके लिए जो है वंशावली के आधार पर जो है दखल कब्जा फॉर्म जो होता है वो आप भरे हैं, वो भरेंगे जिसमें स्पष्ट करेंगे, क्या करेंगे स्पष्ट करेंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पे नहीं भरना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नाम भरना है। जैसे रैयत का नाम है राकेश, क्या राकेश कुमार, तो ऐसे राकेश कुमार, ठीक है राकेश कुमार। अगर हिस्सेदार जितने भी है व्यक्ति हैं हिस्सेदार, ठीक है ये रैयत का नाम है, क्या है रैयत, ठीक है अब जितने भी आप इसमें जो है हिस्सेदार का नाम बोल रहे हैं, तो हिस्सेदार कौन कौन हो सकते हैं, उसके उत्तराधिकारी के रूप में जिनको मिला होगा वो जमीन, तो हिस्सेदारों को वर्णन कर देंगे, क्या कर देंगे हिस्सेदार का वर्णन, जैसे जो भी है तो हिस्सेदारों का वर्णन, ये क्या है सबसे पहले रैयत का नाम, ठीक है हिस्सेदार का वर्णन करेंगे, क्या करेंगे हिस्सेदार का वर्णन, जितने भी व्यक्ति हैं हिस्सेदार का इसमें वर्णन करेंगे, ठीक है तो हिस्सेदार में वर्णन क्या करेंगे रैयत हो गया पहला रैयत। आप क्या करेंगे उसके बाद इसमें जितने भी हिस्सेदार हैं क्या करेंगे, जितने भी हिस्सेदार हैं उस सब का नाम भरेंगे, क्या करेंगे हिस्सेदार का नाम भरेंगे चाहे जो भी है। उसके बाद पिता का नाम, अगर जो भी पिता का नाम होगा वो पिता का नाम, जैसे हिस्सेदार में सोनू मोनू जो भी रहेगा वो भरेंगे, और उसके बाद हम शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे जो जो गलती कर रहे हैं बस उसे, क्योंकि इस पर हम वीडियो बना चुके हैं समझा चुके हैं, लेकिन बहुत ऐसे चीज़ हैं उसमें बताना हम भूल गए, ठीक ना, उसलिए हम इसको फिर दोबारा हम आप लोगों को एकदम फ्रेश न्यू और एकदम बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर पिता का नाम लिख देंगे जो भी पिता रहेगा, ठीक है पिता का नाम, ठीक है पिता का नाम लिख देंगे जो भी पिता है हम बता रहे हैं, ठीक है यहाँ पे हिस्सेदारों का वर्णन। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे अधिकतर व्यक्ति गलती कर रहे हैं, यहाँ पे जो व्यक्ति अपने गाँव में नहीं रहते हैं कहीं बाहर रहते हैं, ठीक है कहीं बाहर रहते हैं वहीं पे बस गए हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जमीन है या खरीदे हैं गांव में, कहीं खरीदे हैं शहर में रहते हैं गांव में खरीद जमीन खरीद के छोड़ दिए हैं कि हम भविष्य में गांव की ओर बढ़ेंगे, ठीक ना, तो वैसे व्यक्ति को बता रहे हैं कि आप वो व्यक्ति क्या करते हैं जो जमीन का जो एड्रेस होता है जहाँ पे जमीन है वो एड्रेस डाल रहे हैं, तो वो एड्रेस नहीं जमीन का जो है पता नहीं डालना है आपको, जमीन का पता नहीं डालना है, जमीन का पता तो यहाँ पे डाले हैं, देखिए
राशव ग्राम, थाना संख्या, हल्का नंबर, पुलिस थाना का नाम, अंचल का नाम, जिला का नाम, वो तो आप डाले हैं, ये कहाँ पे क्या करें। लेकिन यहाँ पे लिखना अस्थाई पता, अगर आप दिल्ली में अपना अस्थाई पता है, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का लिखेंगे, अगर बिहार में शहर में रहते हैं तो शहर में लिखेंगे, अगर गांव में ही रहते हैं, आप कहीं नहीं रहते हैं, जहाँ जमीन जो भी प्रॉपर्टी उसी पे रहते हैं, तो अस्थाई पता मतलब जहाँ आप फिक्स हैं, अस्थाई है, ठीक है। और अस्थाई में क्या आ जाता है, जैसे अस्थाई में आ जाएगा, जैसे रेंट पे आप रहते हैं, तो रेंट पे क्या है, एड्रेस बदलता रहता है, तो वो एड्रेस रेंट पे रह रहे हैं तो इसमें नहीं भरेंगे, ठीक है ना। तो रेंट रेंट वाला नहीं, अस्थाई पता भरेंगे, यानी फिक्स जो भी है आपका, जो फिक्स है, और रेंट वगैरह पे है तो जो वो अस्थाई पता आपका नहीं है, अस्थाई पता आपको क्या हो सकता है, आपको सोचना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे व्यक्ति खाता खेसरा क्या बोलते हैं, रकबा चौहदी, जमीन की किस्म और लगान वगैरह में बहुत सारे व्यक्ति गलती, अधिकतर व्यक्ति यहाँ पे गलती कर रहे हैं, यानी बोला जाए तो 90% व्यक्ति यहाँ पे गलती कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पे हम देख रहे हैं वहाँ पे, जहाँ पे फॉर्म भरवाए हैं वहाँ पे हजारों आदमी से ऊपर व्यक्ति को फॉर्म भरवाए हैं, तो वहाँ पे देखें यहाँ पे मतलब बहुत सारे, यानी 100 में 90 आदमी गलत कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, तो खाता नंबर जो है लिख रहे हैं ना, वो पुराना लिख रहे हैं या नया लिख रहे हैं, और एक को छोड़ रहे हैं, यहाँ पे नया पुराना दोनों लिखना है, नया भी लिखना है, ठीक है। पहले तो पुराना लिखना है, पुराना, ठीक है, पुराना पुराना खाता संख्या जो भी रहे, 180 250 जो भी रहे, पुराना भी लिखना है और नया भी लिखना है, पुराना नया दोनों लिखना है, ठीक है, पुराना नया दोनों। यहाँ पे हम अंक नहीं लिखे, इसके जगह पे एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे जैसे एक नीचे ये भी फॉर्म है, जैसे एग्जांपल के लिए हमको यहाँ पे लिखना होता है खाता नंबर, तो नया पुराना दोनों हमको लिखना है, क्या नया ऐसे लिखना है, जैसे देखिए ऐसे पुराना करके अगर 210 है तो 210, ठीक है, उसके बाद अगर नया, ठीक है, नया करके नया कितना है 517, तो 517 लिखेंगे, इस प्रकार आपको लिखना होगा, ठीक है। और इसमें भी जिस प्रकार खाता नया और पुराना लिख रहे हैं, उसी प्रकार क्या, उसी प्रकार आपको खेसरा नंबर भी नया और पुराना लिखना है, क्या, पहले पुराना, ठीक है, जैसे 156 है तो 156, और पुराना खेसरा, नया खेसरा, नौ देखे नया खेसरा जो भी है आप लिखेंगे, जैसे 270 है तो 270 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये अधिकतर व्यक्ति गलती कर रहे हैं, ठीक है, हम एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे समझा दिए हैं, ठीक है, हम इस फिर इसको घींच लेते हैं। देखिए गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम आपको जो बता रहे हैं बस उस पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप भर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए फॉर्म को फिर से सुधार कीजिए, फिर नया फॉर्म भरिए, ठीक ना। खेसरा में भी नया पुराना बता ही दिए हैं, इसको ही हम ऊपर से नीचे ले लेते हैं, अच्छा चलिए यही ठीक है, फिर उसमें हम लिखना होगा ना कुछ, तो फिर उसमें लिख के हम समझाएंगे आपको, इसलिए हम दो दो फॉर्म रखे हैं समझाने के लिए, ठीक है। नया पुराना इसमें पुराना पहले लिखेंगे, पुराना और नया खेसरा, जैसे खाता में पुराना खासा नया खेसरा पुराना खेसरा, ठीक है, उसे भी खाता में भी नया पुराना लिखेंगे। और देखिए रकबा में बहुत सारे व्यक्ति जो है क्या करते हैं, इसमें रकबा में क्या करते हैं, अगर ज़्यादा ज़मीन है तो वो हेक्टेयर में लिख देते हैं, ठीक है, हेक्टेयर में लिखिए, लेकिन हेक्टेयर में देखिए एक हेक्टेयर में 247 डिसमिल होता है, एक हेक्टेयर क्या, एक हेक्टेयर में 247 डिसमिल, कितना 247 डिसमिल होता है। तो आप जो है अगर हेक्टेयर ये मान के चलिए 247 से ऊपर है, बहुत सारे व्यक्ति हेक्टेयर में नहीं लिखते हैं, डिसमिल में, जैसे मान के चलिए जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, अधिक है, ठीक है, कई हेक्टेयर में है, इतना समझिए, तो वो व्यक्ति क्या करेंगे, ऐसे जो लिखेंगे तो खाना रहता है छोड़, उनको क्या करेंगे, अगर मान के चलिए मान के चलिए इनको 555 डिसमिल ज़मीन है, तो 555 डिसमिल ज़मीन है ना, या जो भी है, तो उसको आप क्या करेंगे, हेक्टेयर में बदलेंगे, हेक्टेयर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 550 डिसमिल में क्या करेंगे, 247 से भाग दे देंगे, ये निकलेगा, जो भी निकलेगा ये हेक्टेयर में निकलेगा, क्या निकलेगा, हेक्टेयर में, तो हेक्टेयर में जो भी निकलेगा वो हेक्टेयर में लिखेंगे, जिससे क्या होगा, वो आसान हो जाएगा। और उसके बाद हेक्टेयर से हेक्टेयर में लिखेंगे, और उसमें जो शेष बच जाएगा हेक्टेयर से नीचे वाला, उसको डिसमिल में लिख देंगे,
अगर उसे डिसमिल में अगर आया, अगर अगर 100 से 100 या 100 से ऊपर है तो उसको एकड़ में चेंज कर लेंगे। एक एकड़ में देखिए, एक एकड़ में, एक एकड़ में 100 डिसमिल होता है। कितना डिसमिल होता है? 100 डिसमिल है। अगर मान के चलिए वो 210 डिसमिल आ रहा है, तो इसको सीधे अगर आपको अगर 100 से इसको भाग दे देंगे तो ये क्या चीज में बदल जाएगा पता है? एकड़ में बदल जाएगा। क्या? एकड़ में। तो ये हो जाएगा 2.1 एकड़। ठीक है, इस प्रकार लिखिए। ये शुद्ध लिखना हो गया एकदम परफेक्ट तरीका से। तो इस प्रकार आपको इसमें लिखना है रकबा। ठीक है, तो रकबा कैसे लिखना है ये भी आप समझा दिए कि जो अगर डिसमिल में है तो उस प्रकार उसको कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, उसके बाद चौहद्दी। चौहद्दी में बहुत सारे व्यक्ति क्या गलती करते हैं कि चौहद्दी में पुराने जो जमीन के पेपर में चौहद्दी वही लिख रहे हैं। नहीं, जो नया में है, जो आपके अभी करेंट में, क्योंकि उस समय में आप जो है जमीन का सर्वे कराए थे, बहुत वर्ष पहले सर्वे हुआ था। अगर नया सर्वे है तो 1960 के आसपास हुआ होगा। अगर आप जो है करवाए होंगे एक कंडस्ट्रल सर्वे वाला पेपर होगा तो वो आपको 1888 से लेके 1921 के बीच में होगा। तो ये होगा, तो उस समय जो है वो जोत हो सकता है या किसी भी प्रकार की जमीन हो सकता है, आसपास घर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, टच लिखेंगे उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम। क्या लिखेंगे? पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जो भी है ना, पूर्व में जो व्यक्ति है उसका नाम, जो मतलब पूर्व में जो व्यक्ति है उसका नाम, पश्चिम में जो व्यक्ति है उसका नाम, और उत्तर में जो व्यक्ति है, और पूर्व मतलब चारों चौहद्दी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में सब व्यक्ति का नाम पता है तो नाम लिखिए। अगर खेसरा भी पता है तो खेसरा से अच्छा खेसरा तो संभव होगा, स्पेस रहेगा तो लिखिए, अन्यथा नाम लिखिए। अभी वर्तमान में जो है उनका बाप दादा का नाम नहीं लिखना है। बहुत सारे व्यक्ति पुराना चौहद्दी इसमें भर रहे हैं, जो नए चौहद्दी है, नया अभी है करेंट में, वो भरना है, क्योंकि उस समय के हिसाब से भी तो सबका नाम भूल जाएंगे। पुराने व्यक्ति का नाम चौहद्दी में देंगे तो उस व्यक्ति का नाम तो अभी वाले बच्चे हैं, वो पैदा होगा आने वाले समय में, तो वो सब थोड़ी याद, उसका पुस्त वगैरह आपको ही बताइए, दादा के दादा के दादा का दादा का क्या नाम है नहीं पता होगा। उसी प्रकार नहीं हो सकता है, फिर बाद में भविष्य में दिक्कत हो सकता था। अभी जो वर्तमान में जो व्यक्ति उस जमीन में दखल कब्जा है, जो उसका मालिक है, स्वामित्व रखते हैं, यानी मालिकाना हक है, उन व्यक्ति का नाम लिखिए, शुद्ध रहेगा, अच्छा रहेगा। और वो नए व्यक्ति रहेगा तो आने वाले आपको वंशज को भी उसके बारे में जानकारी होगा, और जिस व्यक्ति का चौहद्दी में नाम दे रहे हैं उनको भी पता रहेगा मेरे बाबा का नाम है या परदादा का नाम है। ठीक ना। उसके बाद जमीन का किस्म में बहुत सारे व्यक्ति गलती करते हैं ये कि जमीन का किस्म में जो है ना, उस समय जो है ये मतलब खेती बाड़ी होता था। ठीक है, यानी जोत वाला जमीन था, जोत उत करता था, खेती बाड़ी फसल वगैरह हो रहा था। अब क्या हुआ, उस जमीन का कंडीशन चेंज हो गया, उसमें आवास बन गया, घर वगैरह बना के रह रहे हैं, तो यहाँ पे आवास लिखेंगे। ठीक है, क्या? आवास वाला। ठीक ना, आवास लिखेंगे। अगर घर है तो मकान है, मकान वगैरह है तो आवास। ठीक है, निवास जमीन। ठीक ना, तो आप इस प्रकार लिखेंगे। ये नहीं कि वो पुराने पेपर में देख के एकदम जो किस्म रहेगा जमीन का वो किस्म लिख देंगे, वो नहीं, जो अभी क्या है वो लिखना है, क्योंकि आपको अभी वाला जमीन को सर्वे करवाना है, पुराने वाला जमीन को थोड़ी। पुराने वाला का कंडीशन कुछ था, अभी नया वाला का कुछ और है। उसके बाद बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पे गलती करते हैं, लिखा है शेष को छोड़कर लगान। तो शेष को छोड़ के लगान, आप बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं कि जो अभी पे नहीं किए हैं, जो बाकी उसको छोड़ के जितना भी दिया है 5 साल में 6 साल में 10 साल में सब लिख देता है। नहीं, सिर्फ 1 साल में कितना लगान दे रहे हैं पूरे जमीन को, यहाँ पे वो लिखना है। अगर आप दे रहे हैं 510 रुपया तो 510 रुपया ही लिखेंगे, 1 साल का सालियाना लिखेंगे। ठीक है, जमाबंदी नंबर में बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पे भी गलती करते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति जो है जमाबंदी नंबर जो है नहीं है। ठीक ना, जिस व्यक्ति के पास है खतियान वगैरह या जमाबंदी नंबर है तो लिख देते हैं, जिनके जो रजिस्ट्री वगैरह नया करा है तो कंप्यूटर आधारित जो जमाबंदी नंबर मिला है वो व्यक्ति नहीं लिखते हैं। आपको लिखना है कंप्यूटर आधारित जमाबंदी संख्या। ठीक है, लिखना है आपको। ठीक ना, ये स्पष्ट हो जाएगा, तो वो आपको लिखना है, छोड़ना नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति छोड़ देते हैं, गलती करते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे व्यक्ति जो है यहाँ पे लिखा भूमि पर दावा करने का आधार। क्या? भूमि पर दावा करने का आधार, उत्तराधिकारी या दान या जो भी है। तो बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पे जो है बहुत सारे व्यक्ति इस प्रकार है कि जैसे जो खतियान है तो खतियान वाले व्यक्ति जो है खानदानी जमीन लिख रहे हैं। क्या? खानदानी लिख रहे हैं, खानदानी, खानदानी नहीं खतियानी, खतियानी नहीं खतियान,
खतियान के आधार, क्या खतियान के आधार लिखेंगे, क्या लिखेंगे खतियान, क्या खतियान के आधार, ठीक है। हो सकता है आप उन्हें सुन रहे हैं समझे, खतियान के आधार, ठीक है। केवाला है तो बहुत सारे केवाला है, तो व्यक्ति सब क्या गलती करते हैं, लिख देते हैं कि रजिस्ट्री, क्या रजिस्ट्री, रजिस्ट्री ठीक है, लेकिन केवाला लिखेंगे तो अति उत्तम रहेगा, ठीक है ना। केवाला लिख केवाला के आधार पर, केवाला के आधार पर। और बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पे देखिए, अभियुक्ति अगर कोई हो तो, इसका मतलब होता है जमीन पे अगर केस फौजदारी चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो नो, या नहीं तो नहीं भी भर सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति दिमाग में घुसा लेते हैं कि इसके इसमें जो नाम दिए इसके अलावा कोई और व्यक्ति है, तो क्या करते हैं पत्नी का नाम दे देता है, ठीक है, क्या पत्नी का नाम दे देता, नहीं तो इसमें नहीं, बोलते हैं कोई केस फौजदारी या आपके ज़मीन पे कोई कब्जा वगैरह कर लिया है तो उसका वर्णन करना है, उसके बारे में लिखना है कि फलाना आदमी दखल कब्जा किया है, नहीं तो केस चल रहा है तो डेट के साथ केस नंबर लिखना है, ठीक है। ये गलती आपको कभी नहीं करना है, ठीक ना। अब हम बोलेंगे बताने वाले कौन है, तो हम जो है यहाँ पे प्रॉपर स्पेशल जो सर्वे में देखते हैं अमीन सब है, उन सबको वैसे अमीन को ट्रेनिंग देते हैं। बहुत ऐसे सर्वे अमीन है जो यहाँ पे क्लास कर रहे थे और कर भी रहे हैं, ठीक है। सर्वे में जो काम कर रहे हैं वो सब बहुत सारे व्यक्ति ज्वाइनिंग होने के बाद भी यहाँ पे कोर्स ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको जो भी जानकारी मिलेगा परफेक्ट जानकारी मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ चीज़ तो पता ही है, स्थान तिथि और ये सब तो कॉमन चीज़ है, कोई चीज़ है मोबाइल नंबर आधार नंबर के साथ यहाँ पे आपको पूरा भरना है, ठीक है। तो वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, और अगर विशेष जानकारी लेना है तो ये व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे है, आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कीजिएगा, 4-5 बार 6 बार लग जाएगा, तो आपको काउंसलर उठाएंगे, जो भी है जैसे प्रोसेस आपको बता देंगे, ठीक है। अगर ऑनलाइन क्लास भी करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर किताब वगैरह भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।